दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं डिवाइड। डिवाइड हम कैसे करते हैं तो हम ये आज करेंगे। तो पहला हमारा 452 को डिवाइड करना है 60। तो हम डिवाइड लिख देते हैं 452। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे सिंगल डिजिट है, मीन वंस है ये भी, तो सिंगल देखेंगे तो ये बहुत छोटी है, 6 है ये 4 है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 डिजिट लेंगे। कितनी डिजिट लेंगे, 2 डिजिट, ये आप 45। अब मुझे 60 टेबल कहाँ तक बोलनी, 45 तक बोलनी, कहाँ तक बोलनी, 45 तक बोलनी। जैसे आप 60 टेबल हम लिख सकते हैं 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, और 6 7 42, और 6 8 48। अब यहाँ देखो हमारे पास 45 है, अगर मैं 6 8 करूँ तो 48, तो 48 लिखूंगा मैं तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो 48 तो हम लिख ही नहीं सकते, इससे बड़ा 45 से बड़ा तो हम लिख नहीं सकते। तो इसके नज़दीक देखते हैं क्या आ रहा, 42 आ रहा था, और किसने टाइम आ रहा, 7 टाइम आ रहा, 6 7 कितना आ रहा, 42 आ रहा। हम 48 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 45 से बड़ा हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, 6 7 42 लिख देंगे। अब इसको माइनस कर दो, 5 में से 2 गए 3, और 4 में 4 गए 0। अब ये मेरे पास 2 था, फिर ये छोटा हो गया तो ये 2 उतार दो। अब मुझे 6 के टेबल कहाँ तक बोलनी, 32 तक बोलनी। अब देखो जरा, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 तो बड़ा हो जा रहा, 6 6 क्या हो जा रहा, बड़ा हो जा रहा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते, 30, तो कितने टाइम जा रहा, 6 5 30, तो ये हुआ। अब माइनस कर दो, 2 का 2 है, 3 का 3 0। अब हमने देखा भाई हमारा 2 यहाँ 6 है, ये 2 छोटा है, यहाँ पर हमारा कोई डिजिट नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं ये रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर है। तो इस ढंग से हम इसको, इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 का डिवाइड करना है कितने, 9 4 8, ठीक है। अब हमें फिर 7 के टेबल आनी चाहिए, अगर 7 के टेबल देखेंगे हम, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, और 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, तो भाई 7 से बड़ा है 9, तो सिंगल में काम चला, तो 7 1 क्या कर देंगे, देखो 7 2 14 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जबकि ये 9 है, तो 7 1 7, ठीक है। अब 9 में से 7 गए, कितना बचा, 2। अब 2 तो छोटा है 7 से, तो हमने बोला 1 4 उतार लेते हैं, अब ये 24 हो गया। अब 7 के टेबल, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, तो बड़ा हो जा रहा, तो क्या लिखेंगे, 21, कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम, तो 21। अब फिर इसको माइनस कर दो, 4 में से 1 गया 3, और ये 0, तो हमारे पास ये उतारा, इसको उतार दो 38। फिर 7 के टेबल, 7 4 28, 7 5 35, और 7 6 42, 7 6 42, तो बड़ा हो जा रहा, हो रहा कि नहीं होता, हम क्या लिख सकते हैं, 35। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। और 8 में जो 5 गए 3 3, और ये 0, अब ये यहाँ कुछ है नहीं, तो ये रिमाइंडर, ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे हमारे पास है 8। अब हम नेक्स्ट हम करेंगे 8 को डिवाइड देना 4 5 7, ठीक है। अगर 8 की टेबल आपको आती है तो आपको फिर वही 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, और 8 6 48 तक बोल देते पहले। अब देखो 1 डिजिट इससे छोटी है, तो हम क्या लेंगे, डबल डिजिट लेंगे 45। अब देखो यार 8 के टेबल 45 कहाँ पे आ रहा, या तो 40 आ रहा फिर 48 आ रहा, तो 48 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 45 है, तो हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे क्योंकि बिल्कुल नियरेस्ट है। तो कितने टाइम जा रहा, 5 टाइम, तो 8 5 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब ये 5 उतरेगा, ये फिर 7,
अब देखो हम थोड़ा 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, 57 है, 56 आ रहा, फिर 64, 64 तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 56, तो हमारा कितना टाइम जाए, 7 7 56 आ रहा, 8 7 जाए 56, 7 में 6 गया 1 और ये 0, अब कुछ नहीं बच रहेगा तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू।